चिकीला के सोहराब कनीज फातिमा सोसाइटी में मुबैना पुलिस मुकाबला। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक अहलकार शहीद, एक जख्मी। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा फरार। पुलिस और रेंजर्स का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। कनीज फातिमा सोसाइटी से फरार दहशतगर्द की शनाख्त। दहशतगर्द अब्दुल करीम सिद्दीकी, कराची यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स का तालिब इल्म था। पुलिस ने अब्दुल करीम के घर से वाले समेत तीन अफराद को हिरासत में ले लिया। दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस में छापे, कलदम तंजीम का कमांडर पकड़ा गया। SSP मलिर राव अनवार कहते हैं कि अब्दुल करीम सिद्दीकी ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले का मास्टरमाइंड था। बकरे और बैल जिबा हो गए, अब है ऊंट की बारी। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी मवेशियों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कराची समेत बेशतर शहरों में अलाइशों के ढेर, ताखून और गंदगी से ईद का मजा गिरा। कुर्बानी के बाद अब है सैर तफरी का मरहला। शेखुपुरा समेत मुल्क भर में लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। दरियाए चना बाहू ब्रिज पर कश्ती की सैर से ईद की खुशियाँ दुबाला। दरिया पर है, हम बहुत इंजॉय करने के लिए आए हैं, हमें दरिया पर बहुत अच्छा फील महसूस हो रही है। हम यहाँ आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है, हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया। जो कल बने थे मेजबान वो आज बनेंगे मेहमान। ईद के तीसरे रोज घरों में दावतों का खसूसी एहतमाम, कोटा में सिरी पाए के चर्चे। पाए लेके आए, उसको साफ करना है, हम लोग घर में साफ नहीं कर सकते हैं, तो इधर लाएगा। लोग आते हैं सिरी पाए बनाने के लिए और कसाब लोग अच्छी सिरी पाए बनाते हैं। कराची के इलाके मवाच गोट में टैंकर की कार को टक्कर, खातून समेत दो अफराद जहाँ वहाँ के एक जख्मी। गोजरा में बस ने दो मोटरसाइकिलों को कुचल दिया, दो खवातीन समेत सात अफराद जहाँ वहाँ। मुजफ्फरगढ़ में कोचेस में तसादुम से दो अफराद जहाँ वहाँ, 21 जख्मी। रोहंगिया मुसलमानों का कत्लेआम जारी। म्यांमार हुकूमत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इमदाद भी बंद कर दी। मलाला यूसुफ़ज़ई की मुसम्मत, कहा मुसलमानों का कत्लेआम रोका जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का भी 8 सितंबर को भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में तहरीक इल्तवा भी जमा करा दी। मुसलमानों पर मजालिम का मामला ऐवान में जेर बहस लाने का मुतालबा। हाइड्रोजन बम का तजुर्बा, अमरीका ने शिमाली कोरिया को खबरदार कर दिया। वजीर दिफा जेम्स मैटिस कहते हैं कि खतरा महसूस हुआ तो भरपूर फौजी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान, जापान और चीन समेत दीगर ममालिक के भी शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बों की मजम्मत। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बरतानिया में मुतयन अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात, खित्ते और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बरतानिया में अमरीकी सफारतखाने का मामला की तस्दीक या तरदीद से इनकार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। मागला की पहाड़ों पर भी बादल और सूरज की आंख मचोली जारी। आइंदा 24 घंटे के दौरान गोजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान। जूनियर वर्ल्ड स्क्रबल चैंपियनशिप में 5 टाइटल जीतने वाली कौमी टीम इंग्लैंड से वतन वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। हॉलीवुड फिल्म हिटमैन का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। दूसरे हफ्ते भी 1 करोड़ डॉलर का बिजनेस करके सारे फहरिस्त।